दुनिया के अलग अलग देश अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए मिशन भेज रहे हैं। भारत भी उनमें से एक है। 2023 का अगस्त और सितंबर महीना भारत के लिए काफी खास रहा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ चांद की सतह पर उतरा तो 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन सूरज के रहस्यों को जानने के लिए रवाना किया गया। इन सबके बीच अब समुद्रयान मिशन भेजे जाने की तैयारी पर काम शुरू हो चुका है। इसके जरिए समंदर की गहराइयों में छुपे खनिज संसाधनों की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए मत्स्य 6000 पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। इस पनडुब्बी के जरिए 3 लोग समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। शुरुआत 500 मीटर की गहराई से होगी और 2026 तक मत्स्य 6000 पनडुब्बी को इसे 6000 मीटर की गहराई तक ले जाया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसे 2 साल की मेहनत के बाद बनाया है। इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। इसकी खासियत क्या है, इससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। समुद्रयान मिशन की खासियत, 2.1 मीटर व्यास वाले पनडुब्बी को डिजाइन और विकसित किया गया है जो 3 लोगों को लेकर जाएगा। मत्स्य 6000 का वजन करीब 25 टन है। 9 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई है। पनडुब्बी बनाने में 80 मिमी वाले टाइटेनियम का इस्तेमाल। समंदर के अंदर 600 गुना दबाव झेलने में सक्षम। व्हीकल को लगातार 12 से 16 घंटे तक ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई 96 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। भारत सरकार ने 2021 में डीप ओशन को दी थी मंजूरी। पहले चरण का आगाज 2024 में संभव। अब तक अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस इंसानों को समंदर में इतनी गहराई तक ले जाने में सक्षम। इन खनिज संसाधनों की तलाश, इस पनडुब्बी की मदद से समंदर में गैस, हाइड्रेट्स, निकल, मैगजीन, कोबाल्ट, हाइड्रोथर्मल, सल्फाइड के साथ साथ कीमो सिंथेटिक जैव और दूसरी वनस्पतियों की खोज होगी। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए ई वाहनों और उनके लिए बैटरियों की मांग तेजी से हो रही है। वहीं इनको बनाने में इस्तेमाल होने वाले संसाधन दुनिया भर में कम होते जा रहे हैं। समुद्र की गहराई में पाया जाने वाला लिथियम, तांबा और निकल बैटरी में इस्तेमाल होते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक कारों के लिए जरूरी कोबाल्ट और स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी मैगजीन भी समुद्र की गहराई में उपलब्ध है। अनुमानों के मुताबिक 3 साल में दुनिया को 2 गुना लिथियम और 70% ज्यादा कोबाल्ट की जरूरत होगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2030 तक करीब 5 गुना ज्यादा लिथियम और 4 गुना ज्यादा कोबाल्ट की जरूरत होगी। इन रॉ मटेरियल का उत्पादन मांग से काफी कम हो रहा है। इस अंतर को बैलेंस करने के लिए समुद्र की गहराई में खुदाई को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है और इसीलिए समुद्र काफी अहम है। कब तक शुरू होगा समुद्रयान मिशन? समुद्रयान मिशन के 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। अब तक केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ने ही इंसानों को ले जाने वाली सब मर्सिबल विकसित की है। मिशन पूरा होता है तो 5वां सबसे ताकतवर देश होगा भारत। इस वक्त की बात करें तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन, इन 4 देशों के पास गहरे समुद्र मिशन के लिए विशेष टेक्नोलॉजी है। अगर भारत इस मिशन को पूरा करने में कामयाब होता है तो ये देश 5वां समुद्र मिशन के लिए विशेष टेक्नोलॉजी वाला देश बन जाएगा। साल 2023 में 4000 फीट जाने वाली पनडुब्बी हुई थी हादसे का शिकार। टूर कंपनी ओशन गेट की एक पनडुब्बी जून महीने में अटलांटिक महासागर में दुनिया के सबसे चर्चित जहाजों में से एक टाइटैनिक के मलबे को देखने निकली थी। इस छोटी पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे। डुबकी लगाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद ही इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया और तब से ही इसे खोजने का काम किया जा रहा है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा देखने समुद्र में उतरी इस पनडुब्बी का वजन 10,432 किलो है और ये 13,100 फीट की गहराई तक पहुंच सकती है।